सो रिसेंटली इंडिया सेलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट सीट के लिए ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर द टर्म 2021 टू 2020, जहां इंडिया को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है और 184 वोट को हासिल किया है 192 वोट में से। तो इंडिया को जितनी भी कंट्रीज थी उन सब का सपोर्ट मिला है, तो देखेंगे कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो वेलकम ऑल यू टू ए करंट इशू एनालिसिस और देखेंगे कि आज हमारे पॉइंट टू डिस्कस क्या क्या हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आपको समझने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन क्या है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था किस तरीके से हुआ था, इसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं, इंडिया की हिस्ट्री किस तरीके से रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया का विजन क्या है और इंडिया को क्या गेन हो सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम यूनाइटेड नेशन के बेसिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन था, जो ये जो टर्म थी सबसे पहले क्वाइन करी गई थी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे फ्रैंकल डी रोजवेल्ट, उन्होंने सबसे पहले जो ये यूनाइटेड नेशन टर्म थी उसको यूज किया था इन द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफ 1 जनवरी 1942। ओके, उसके बाद 1945 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे 15 कंट्रीज़ के वो सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ थी यूनाइटेड नेशन चार्टर को ड्रॉ करती हैं। ओके, अब देखिएगा, और उसके बाद जो ये चार्टर था, इस चार्टर को जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था इस चार्टर को साइन किया जाता है 26 जून 1945 को। ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 15 कंट्रीज़, और उसके बाद जो कि पोलैंड, जिसने कि शुरू में इस कॉन्फ्रेंस को या यूनाइटेड नेशन जो चार्टर था उसको रेटिफाई नहीं किया था, बट लेटर ये जो पोलैंड था 51 मेंबर बन जाता है आफ्टर रेटिफाइंग द यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था। ओके, अब देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन को जो ऑफिशियली जो एग्जिस्टेंस में आया वो 24 अक्टूबर 1945 को आया, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जाने लगा 24 अक्टूबर को ईच ईयर। ओके, तो हमने ये सारी जो बेसिक्स थी यूनाइटेड नेशन के बारे में समझा, यूनाइटेड नेशन के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो तो हमने समझ लिया हाउ इट वाज फॉर्म, बट जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत उन पे भी थोड़ा बहुत नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो यूनाइटेड नेशन के वो तो देख लेंगे, बट एक चीज़ आपको याद रखनी, जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, और इसके अलावा आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो लास्ट मेंबर था यूनाइटेड नेशन का वो कौन जुड़ा है यूनाइटेड नेशन के साथ। दूसरा आपको ये बताना कि यूनाइटेड नेशन में 6 मेजर ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती हैं, 6 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिससे कि यूपीएससी ने एक बार पूछ भी लिया है ये प्रीलिम्स में। मैं आपको 5 ऐसी यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, आपको जो छठवीं होगी उसके बारे में बताना। सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहली इंग्लिश हो गई, ओके, दूसरी यहाँ पे स्पेनिश हो गई, तीसरी अरेबिक हो गई, चौथी रशियन हो गई, पांचवी चाइनीज हो गई, और आपको छठवीं बतानी है कि छठवीं कौन सी है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरीके से समझ लीजिए, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जैसे हमारे इंडिया की पार्लियामेंट होती है, वैसे यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वो पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट है, जहाँ सारे के सारे वर्ल्ड के जो डेलीगेट्स होते हैं वो मिलते हैं और चर्चाएँ करते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी आज हम डिस्कस करेंगे। इकोसॉक, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अभी हाल में इसके जो 54 मेंबर हैं और 3 ईयर्स के लिए इसको चुना जाते हैं। ओके, ट्रस्टशिप्स काउंसिल, जिसे कि बाद में जो यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन था इसको, जो ट्रस्टशिप काउंसिल है इसको 1994 से जो ये काउंसिल थी इसको रद्द कर दिया गया था। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो हर बार न्यूज़ में रहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हाल ही में जो ये पिछला साल था वहाँ इंडिया के एक जो जज थे उनको चुना गया था, दलवीर सिंह भंडारी, आपको पता ही भी होगा। आपको ये बताना है कि जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को
रोम स्टेटस, ओके, रोम स्टेटस के द्वारा ही निर्मित किया गया था, ओके। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो सिक्स ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेट है, जहाँ यूनाइटेड नेशन का जो स्टाफ होता है वो बैठता है और जो भी इसके दिनचर्या के काम होता है वो निपटाता है। नाउ आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी, जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है, ओके। तो पुर्तगाल के हैं वो, आपको बताना है कि उनका नाम है क्या, ओके। अब चलते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने अभी हाल ही में अब एज ए नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है इंडिया को, ओके। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया ने वर्ल्ड में अपनी जो छवि है बहुत अच्छी बनाई है। आपको पता है 184 आउट ऑफ 193, तो आप देख सकते हैं कि एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, इसका मतलब इंडिया का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओके। इंडिया की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है वर्ल्ड में, और इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड में। नाउ यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, जहाँ 15 मेंबर होते हैं, ओके। 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर तो ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट मेंबर होते हैं, वहीं जो 15 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नाउ यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि ईच ईयर जनरल असेंबली से नॉन परमानेंट मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है, 5 नॉन परमानेंट मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि मैंने कहा था आपको, मान लीजिए ये यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली होती है वो वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट टाइप की है, ओके। और यहाँ डिस्कशन होते हैं, ओके, वर्ल्ड पावर किस तरीके से होना, वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए। इस जनरल असेंबली से ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो मेंबर होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए इंडिया को 184 वोट मिले थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ताकि इंडिया को एज ए नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किया जाए। तो ये थोड़ा सा बेसिक थी। अब ये जान लीजिए कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। देखिए चाइना जो कि परमानेंट मेंबर है, उसके अलावा फ्रांस, रशिया, ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, क्या जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो होती है। वीटो इन द सेंस, वीटो का मतलब होता है कि किसी जो रेजुलेशन पास किया जा रहा इनके पास पावर होती है कि वो उस चीज़ को मना कर सकते हैं, ओके। अगर इन्होंने मना किया तो कोई भी ऐसा रेजुलेशन पास नहीं होता। अगर ये 5 परमानेंट जो मेंबर हैं इनमें से किसी ने भी अगर अपनी वीटो का यूज किया तो वो रेजुलेशन पास नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको ये जानना जरूरी है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जितने भी रेजुलेशन पास किए जाते हैं वो जो मेंबर होते हैं उन सारे मेंबर्स पे लीगली बाइंडिंग होते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द ओनली वन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जिसके जो रेजुलेशन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं मेंबर नेशंस पे, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे कि इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया को बहुत बार नॉन परमानेंट मेंबर की तरह भी चुना गया है यूनाइटेड नेशन के आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम देखते हैं कि इंडिया को कितनी बार एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चुना गया है। सबसे पहले ये जो टाइम आया था 1950 से 1951 के टाइम पर आया था, फिर उसके बाद ये देख लीजिएगा दूसरा 3, 4, 5, 6, 7, ओके, और इसके बाद 8वीं बार। तो इंडिया ये 8th टर्म है जब इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एज ए नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, ओके। नाउ अब ये देखते हैं कि इंडिया का क्या विजन रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इंडिया क्यों बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चुना जाए। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा जाता है कि इसमें अभी खामी है, जिसमें कि रिफॉर्म्स लाने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल था ये 1945 मतलब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना था, और उस टाइम की जो वर्ल्ड पावर था वो बहुत ही ज़्यादा पोलराइज था, या हम कहें यूनिपोलर था या बाईपोलर था। उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और इसमें जो आज की जो एशियन कंट्रीज थी उनका जो इन्फ्लुएंस था टोटल वर्ल्ड पे वो बहुत कम था। बट राइट नाउ द कंडीशन हैज़ गॉट चेंज, और आज के टाइम पे जो एशियन कंट्री है जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इसके अलावा वियतनाम जैसी कंट्रीज, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज, दे आर डेवलपिंग डे बाय डे, ओके। और उनका भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में कंट्रीब्यूशन हो सके। इसलिए कहा जाता है कि आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर है
उनमें बदलाव होना चाहिए, ओके। या तो ये सीट जो परमानेंट सीट है वो बढ़ाई जानी चाहिए, ओके। इसके लिए, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पे आरोप लगाया जाता है कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस को भी मनमाने तरीके से डिप्लॉय किया जाता है, जहां उनकी ज़रूरत होती है वहां नहीं भेजा जाता है और जहां नहीं ज़रूरत होती वहां भेजा जाता है। तो जो ये परमानेंट मेंबर हैं इनको रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, ताकि जो इंटायर जो वर्ल्ड है उसमें जो जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो रिफ्लेक्ट करें या उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें, ओके। अब देखिए इंडिया का क्या विजन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। हाल ही में जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरीज थे उन्होंने बताया कि इंडिया का क्या क्या विजन है, ओके। एज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के कुछ कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूनाइटेड नेशन में। पीस कीपिंग ऑपरेशन इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है यूनाइटेड नेशन का, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और हाल ही में आपको पता होगा इंडिया की जो फर्स्ट लेडी है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग का कोई एक ऐसा मेडल था उसको हासिल किया है, सुमन गवान का नाम आपने सुना जरूर होगा, ओके। वो भी न्यूज़ में था, इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स एंड यूनाइटेड नेशन आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, और इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं यूनाइटेड नेशन, ये इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी द्वारा, एज ए लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है इंडिया, ओके, पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ओके। और कहा है कि इंडिया जो स्ट्रेंथ होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर फोकस करेगा, ओके, अपनी वाइज को बहुत अच्छे से रखेगा, ओके, और देखेगा कि किस तरीके से मॉडर्नाइज होना चाहिए चीज़ें, ओके, किस तरीके से इसमें रिफॉर्म लाने चाहिए, ओके, और किस तरीके से वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल लॉ हैं, ओके, इंटरनेशनल लॉ है या कोई भी डिस्प्यूट है उनका जो पीसफुली सेटलमेंट हो सके, ओके। इसके अलावा जो अलग से जो इंडिया के जो विजन है वो किस तरीके का है देखते हैं। इंडियाज़ जो वर्क इन द काउंसिल विल बी गाइडेड बाई, उन्होंने जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि जो इंडिया का जो वर्क होगा वो यूनाइटेड नेशन में जो गाइड होगा वो पीएम्स की जो कॉल है उसके आधार पे होगा, जैसे कि रिफॉर्म्स इन मल्टीलेटरलिज्म एंड 5S विजन पे। अब वो 5S विजन क्या क्या है देखिए, वह जो 5S विजन है फॉरेन पॉलिसी के, जैसे सम्मान, मतलब जितनी भी कंट्रीज होगी उनको सम्मान दिया जाएगा और सम्मान लिया जाएगा, रेसिप्रोसिटी होगी, जहाँ सम्मान इन द सेंस रिस्पेक्ट, संवाद होगा इन द सेंस डायलॉग होगा, डायलॉग के सहायता से सारी चीज़ों को जो डिस्प्यूट होगा तो उसको सेटल किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा, सहयोग मतलब कॉपरेशन से, कॉपरेशन बहुत सारी जगह में हो सकता है, ट्रेड में हो सकता है, एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कम्बैट करने के लिए हो सकता है, वहीं शांति पीसफुल सेटलमेंट जैसे कि कहा गया। तो जो ये 5S पे काम किया जाएगा, ओके, सम्मान, संवाद, सहयोग एंड शांति, ओके, ताकि ओके टू क्रिएट कंडीशन फॉर यूनिवर्सल समृद्धि, यूनिवर्सल समृद्धि मतलब ताकि इन 5S पे काम करके इन पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल समृद्धि लाई जाए, मतलब यूनिवर्सल प्रॉस्पर्टी लाई जाए, ओके। तो ये कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं जो कि इंडिया की जो लैंग्वेज है, इसीलिए ये 5S पे काम करेंगे, ओके, जो ये चीज़ें होंगी। और जो मेन मकसद होगा वो यूनिवर्सल प्रॉस्पर्टी लाए, यूनिवर्स जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें रूल बेस्ड होना चाहिए, ओके। इसके अलावा जो इंडिया का जो विजन है ये काम करेगा रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशन को लाएगा, ओके, और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेगा सिक्योरिटी काउंसिल में, ओके, इसका इफेक्टिव रिस्पांस होगा ताकि ये इंटरनेशनल जो टेररिज्म हो रहा है उसको कम्बैट कर सके, ओके। इसके अलावा मल्टीलेटरलिज्म में रिफॉर्म लाएगा, ओके, और जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट करें, ओके। इंडिया की जो अप्रोच होगी वो कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच होगी ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को लाया जाए पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, ओके, डायलॉग किए जाएंगे विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई विवाद है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट किए जाएगी, कमिटमेंट होगा इंटरनेशनल लॉ के लिए, ओके, इंटरनेशनल लॉ पे कमिटमेंट होने का मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उनको फॉलो किया जाएगा, ओके, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ओके, और स्ट्रीमलाइन की जाएगी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को, ओके,
टेक्नोलॉजी के आधार पे, ताकि उनको ह्यूमन टच दिया जा सके। तो इंडिया की कुछ इस तरीके से विजन है, ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया अपने दबदबा बना सके, वर्ल्ड को दिखा सके कि वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है पूरे वर्ल्ड को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने की भी पूरी कोशिश करेगा। तो इंडिया का विजन इस तरीके से। तो आई होप आपने जो ये पूरा लेक्चर है इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, यूनाइटेड नेशन में इंडिया का क्या विजन होने जा रहा है, यूनाइटेड नेशन के बारे में जाना होगा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी जाना होगा। तो गाइज आज इतना ही रखते हैं करंट इशू एनालिसिस में। आई होप आपने इसको एंजॉय करा होगा। तो आपने एंजॉय करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और साथ साथ टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर दीजिएगा जहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। सो थैंक यू फॉर द डे।